नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। जानिए और भोजन अपडेट, क्या नया मोड़ निकल कर आया है इन दोनों की प्रेम कहानी में, क्या कोई कर रहा है नेशनल दस्तक चैनल की कॉपी, ये सारी बातें इस वीडियो में जानने को मिलेगी, वीडियो आखिर तक देखना। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कुछ छोटी बड़ी भोजन अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले भोजन अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के महादलित प्रखंड के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था गणेश रविदास, उम्र करीब रही होगी 45 साल की। तो दोस्तों इनको जांच पड़ताल के लिए एक अपहरण का मामला था, किसी लड़की के किडनैपिंग का मामला था, उसकी जांच पड़ताल के लिए थाने में बुलाया था। लेकिन दोस्तों यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन आपको क्या पता है थाने के शौचालय के अंदर इनकी लाश मिली है, वो भी लटकी हुई फंदे से। तो दोस्तों ये मामला बहुत गर्मा गया, इसके बाद प्रशासन ने वहां के 3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, या इनको मारा गया पुलिस के द्वारा, या क्या कुछ भी किया गया हो। ये जो मामला है ये है नालंदा जिले का, और इस जिले से आते हैं नीतीश कुमार जी, यहाँ से वो चुनाव भी लड़ते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी का इलाका है। और यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना बहुत ही बुरा है, वो भी एक दलित व्यक्ति के साथ। तो दोस्तों क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप क्या जानते हैं इस बारे में, आपको कुछ पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। दोस्तों ऐसा ही एक और मामला निकल कर आ रहा है सरदार शहर चूरू का, यानी कि राजस्थान का मामला है। यहाँ पर क्या हुआ, पूछताछ के लिए एक महिला और उसके देवर को बुलाया गया। उसके देवर को तो वहां पर ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, या शायद मार भी दिया गया। और उसके बाद उस महिला के साथ जो जाति की गई ना यार, मैं बयान नहीं कर सकता, ना ही उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ, ना ही फोटो दिखा सकता हूँ, विचलित हो जाऊंगे आप लोग। इतनी दयनीय थी यार, क्या बताऊं मैं आपको, कि उस महिला के नखून तक निकाले गए। ये जो नखून होते हैं ना हमारे हाथ के, बता तक नहीं पा रहा हूँ, ये खींच खींच के, मतलब यार इस तरह से टॉर्चर किया गया कि नखून निकाले गए हाथ, और ये अपने पैर के जो ये होते ना मुठे उसके, और उसके बाद उसके बालों को भी खींचा गया उसमें, उसके बाल भी टूट गए, शरीर पे बहुत गहरे जख्म थे, यानी कि उसको बहुत बुरी तरह पीटा गया। और दोस्तों शायद इसके बाद थाने में ही शराब पीकर पुलिस वालों ने उसका बारी बारी से बलात्कार भी किया, ये भी खबर सुनने को आ रही है। ये खबर मैंने फेसबुक पर देखी थी, लेकिन मुझे सच्चाई दिखी क्योंकि इसका मैं वीडियो भी देख चुका हूँ, लेकिन वीडियो में दिखा नहीं सकता, विचलित हो जाऊंगे यार आप लोग, बहुत ही बता नहीं सकता, बता नहीं पाऊंगा ऐसा वीडियो था। लेकिन पता नहीं कैसे लोग है यार, जानवर है या इंसान है, इंसानों के साथ ऐसा लोग कौन कैसे कर सकता है, बहुत ही बेकार लगा मुझे ये सब, इसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, सही बता रहा हूँ। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है तरजेब अंसारी को लेकर। दोस्तों तरजेब अंसारी को जो लिंच किया गया था, यार थोड़ा ढंग से बोल नहीं पा रहा क्योंकि मेरा गला खराब है, अभी गरारे मार के आ रहा हूँ बाहर से। तो तरजेब अंसारी था ना जिसको लिंच किया गया था झारखंड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है, वहां पर पुलिस ने कितनी लापरवाही बरती है, एक जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस भी वहां पर लेट से पहुंची, और उसके बाद जो डॉक्टर ने, जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया ना, उनने भी बहुत लापरवाही बरती है दोस्तों उस केस के अंदर। इसी चक्कर में उस बंदे की मृत्यु हो गई थी, इसी चक्कर में वो बंदा मारा गया, ना टाइम पर पुलिस आई, पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, और दोस्तों डॉक्टरों ने भी अपना काम सही से नहीं किया, इसी चक्कर में तरजेब अंसारी की मृत्यु हो गई थी। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की लड़की साक्षी मिश्रा के दलित लड़के से शादी करने पर बोले अयोध्या के महंत कि ये रिश्ता भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो भैया भारतीय संस्कृति क्या कहती है आप ही हमें बता दीजिए, भारतीय संस्कृति या किसी पोथी पुराण से ये देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, और संविधान कहता है लड़का 18 साल का है, लड़की 18 साल की है, तो शादी कर सकते हैं किसी भी जात धर्म की हो तो, ठीक है ना। ये तो उसके लिए था, मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये था कि भैया सीधा सीधा बताओ तो, ब्राह्मण दलित की शादी नहीं हो सकती, यही उनके ग्रंथों उनके पोथी पुराणों में लिखा गया है, और उसी के हिसाब से ये सब कुछ होना चाहिए। तो भैया बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ महंत जी, ऐसा नहीं हो सकता इस देश में, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। और दोस्तों इनकी जिंदगी में या कहानी में एक नया मोड़ निकल कर आया है प्रेम कहानी में, कि अब भोपाल से एक परिवार उठकर आ गया है, और वो कह रहा है कि जो ये लड़का है अर्जितेश, यानी कि जो दलित युवक है उसका नाम अर्जितेश है शायद, तो उसकी सगाई पहले हो चुकी है, 2 साल पहले सगाई हो चुकी है, शादी नहीं सगाई, सुनिए सगाई हुई है, और सगाई इसलिए तोड़ी गई क्योंकि लड़का दहेज की मांग कर रहा था, लड़की वो जो लड़की वाला से दहेज की मांग कर रहा था, इसलिए सगाई तोड़ दी गई। अब मुझे बताइए कि सारी जो भारतीय परंपरा के हिसाब से बात करूं तो ये जो दहेज की बात होती है ना, ये भाई सीधे बताओ तुम्हें शादी के पहले हो जाती है, सगाई की बात तो होती नहीं है, ये सब पहले फिक्स हो जाता है, अब होती भी है तो इसमें सगाई तोड़ने का तो मुझे नहीं पता कैसे टूटी होगी, लेकिन मुझे जो कारण पता चला है, कुछ किसी ने बताया हो या किसी का कारण पता चला, वो ये था कि लड़के की मां मर गई थी,
जो जिसकी शादी हुई दलित युवकी अर्जितेश की, इसी कारण सगाई टूटी थी। और दोस्तों इसके ऊपर सटीक और सही जवाब दिया है हमारे शंभू कुमार जी ने, तो उनकी बात सुनिए यार, मैं गला ठीक नहीं है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही बोलने में। अब जो नया ड्रामा लाया जा रहा है, नया जो एंगल बनाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है वो फैमिली बोलेगी कि जो दलित लड़का है उसने हमसे दहेज की मांग की थी, इसलिए हमने शादी से इनकार कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि सगाई से पहले अगर दहेज की बात होती है तो वो तो सगाई से पहले दहेज तय हो जाती है, तो बिना दहेज तय किए हमने सगाई कर ली थी, और सगाई के बाद वो दहेज मांगने हो, तो वो फिर शक पका गए। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कह रहे थे कि शादी में कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने शादी तोड़ दी। मैंने पूछा कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर शंभू कुमार जी ने पूरा बताया कि किस तरीके से ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी और क्या बोलते गोदी मीडिया उस राजेश मिश्रा को बचाने में लगी हुई है, जो बरेली का विधायक है और ये साक्षी मिश्रा का पिता है, उसको बचाने के लिए लगी हुई है, और उस दलित लड़के को विलन बनाया जा रहा है। ये पता नहीं कौन से गोपनीय सूत्रों से इनको पता लग गया कि इसकी शादी हुई, सगाई हुई थी, फिर सगाई टूट गई और कहां से परिवार आ गया। तो भाई ये पूरा खेल रचा जा रहा है, और किस तरीके से अब उसको पता नहीं इस कहानी का जो मोड़ है वो क्या मोड़ ले सकता है आगे, इस प्रेम कहानी का क्या होगा, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों अगली अपडेट में मैंने आपसे कहा था, जो आपने थंबनेल देखा होगा, कि कोई कर रहा है नेशनल दस्तक की कॉपी या नेशनल दस्तक की वीडियो बनाने की जैसी कोशिश, तो आप क्या कहते हो? तो भाई मैं एक बात बताऊं, नेशनल दस्तक ने अपना एक और चैनल बना लिया है नेशनल दस्तक 2 करके, इसकी बात उन्होंने फेसबुक पर भी बताई थी और शायद अपने शंभू जी ने वीडियो में भी बताई थी एक नेशनल दस्तक के, और उस चैनल के अभी 6,000 या 7,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो वो चैनल के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नेशनल दस्तक की कॉपी नहीं कर रहा है, ये नेशनल दस्तक का ही चैनल है, यानी कि नेशनल दस्तक की जो पूरी टीम है वही इसे चला रही है, इसमें भी शंभू जी आएंगे। कारण यह था कि जो नेशनल दस्तक का यूट्यूब चैनल था उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस जा रही थी, और इतना वीडियोस हो नहीं पा रहा था उस पर डालना, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी टेक्निकली जो भी आ रही होगी, इसलिए दूसरा चैनल बनाया गया है कुछ सुविधा के लिए। तो दोस्तों उस चैनल की लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो के लिए मेरे को चाहिए आपसे 70 लाइक चाहिए, आपने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया था यार, इस वीडियो में भी सपोर्ट दिखाओ, 70 लाइक फटाक से करके दिखाओ। चैनल में पहली बार आए तो फटाक से सब्सक्राइब मारो, लाल कलर का बटन दबा दो और घंटा भी बजा देना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।